ड्रोन धड़ाका भी कम हुआ है, अभी तो राफेल भी आएंगे, कि हमको डराता है पानी की बौछारों से। अरे सुन लो ताना साहब, दिल्ली उनकी औखा दे हमारा रास्ता रोक दे। मैं वही बात कहना चाहता हूं कि हमारा उगाया अनाज सच्ची ये है कि या तो नाते में डरता। मेरी तो एक ही बेबाक बात रहती है कि क्रांतिकारियों का एक पैर रेल में और दूसरा पैर जेल में। तो आप देख लेना, अभी तो हमने ऐलान भी नहीं किया कि हम दिल्ली जा रहे हैं, और बॉर्डर पर दीवार लग गई है, तार खिंच गए हैं। तो ये डर सरकार को हमेशा बना रहे, ऐसा पैदा करके रखना, और वो आपकी एकता से ही डर बनता है। और एक कहावत है कि जब जब ताना साहा डरता है, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री नाम की कोई चीज नहीं बची, देश में है एक ताना साहा, और जब जब ताना साहा डरता है तो वो अपने किले की घेराबंदी कर देता है। ऐसे किले की घेराबंदी होती है कि, और फिर मैं अभी हमारे साथी कह रहे थे कि पंजाब में हमारे पंजाब के भाई चले हैं और उन पे गोलाबारी हो रही है। तो मैंने भी कहा था कि कोई ऐरा गहरा न थूक हैरा नहीं, अरे देश का किसान हरा है, अगर धूम धड़ाके से स्वागत नहीं करेगी सरकार तो और क्या होगा। तो ये धूम धड़ाका अभी कम हुआ है, अभी तो राफेल भी आएंगे, राफेल आ चुके हैं, वो जो ड्रोन से बम बरसा रहे हैं वो राफेल ही मान लो, वो भी तो उड़ के ऐसे ही बरसाएगा। तो एक दिन में 5000 गोले पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में किसानों के लिए 5000 गोले एक दिन में। और धन्य है वो पंजाब का किसान जिन्होंने आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा शहीदी दी थी, और फिर किसान आंदोलन में डट के आ रहे हैं। और दो किसानों की शहादत हो चुकी है, एक खनौरी बॉर्डर पर कल हो चुकी है किसान की शहादत, और दो दिन पहले एक शंभू बॉर्डर पर हो चुकी है। तो मैं उन दोनों किसान परिवार को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भेजता हूँ, आप सबकी तरफ से श्रद्धांजलि भेजता हूँ कि ईश्वर उनके परिवार को उस दुख को सहन करने की शक्ति दे, और जो जो घायल हुए हैं उन शहरों से कहता हूँ कि फिर तैयार हो जाओ, लड़ना यही है। और जब तक तानाशाह नहीं झुकेगा, हमारी MSP पे गारंटी का कानून नहीं देगा, ये किसान ऐसे ही लड़ता रहेगा, चाहे दिल्ली का बॉर्डर हो चाहे लाल किले का बॉर्डर हो। और मैंने तब भी कहा था जब मैं आंदोलन में था कि हम वो किसान हैं जो पानी की बौछारों से नहीं डरते, कि हमको डराता है पानी की बौछारों से। अरे ओ सुन लो ताना साहब, दिल्ली में बैठे हुए हम उसके बच्चे हैं जो सुबह कुल्ला ही करते हैं ट्यूबवेलों की धारों से। अभी मैं देख रहा था कुछ दलाल मीडिया पे कुछ एंकर ऐसे खड़े थे, शाम को करते हैं डिबेट और किसान को करते हैं बदनाम। एक कह रहा था कि MSP गारंटी का कानून लागू करने से सरकार पर कर्जा बढ़ जाएगा। इन मूर्खों को यह नहीं पता कि MSP बढ़ाने से, MSP का गारंटी कानून देने से कैसे देश में कर्जा बढ़ जाएगा। तो मैं आपको समझाता हूं, जो भी कोई तुमसे ये बात कहे तो उसे बता देना, सरकार MSP पे हमारी फसल खरीदती है जितना उसको जरूरत होती है। हमने कहा है कि जितना सरकार को चाहिए वो MSP पे खरीद ले, और जो बाजार में बिकता है वो हमारा उसी MSP पे बिकना चाहिए, क्योंकि ये बड़े बड़े व्यापारी सस्ते में किसान की फसल खरीदते हैं और फिर गांव में लोगों को बेचते हैं, शहरों में मजदूरों को बेचते हैं। तो हमने क्या बुरा कहा, हमारी फसल जो रेट सरकार ने तय किया, तय भी हमने नहीं किया कि हमारी फसल कितने में बिकेगी। सरकार के जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं उस चमचमाती कोठी में, जिनको ये नहीं पता कि जो बिजली अमेंडमेंट बिल वो लाए हैं उसमें लिखा है कि अगर कोई भी किसान हो मजदूर हो अपने यहां अगर दो पशु पालेगा
तो उसको कॉमर्शियल मीटर अपने घर में लगवाना पड़ेगा। अब इनसे कोई नहीं पूछे कि जो हम गाय और भैंस पालते हैं, जब वो ब्याती है तो एक बच्चा देती है तो वो तो दो हो जाएंगे, तो कमर्शियल मीटर लग जाएगा। अब या तो उसके बच्चे को मार दो या कमर्शियल मीटर लगवा लो। तो ऐसे ऐसे मूर्ख बैठे हैं हमारे ऊपर कानून थोपने के लिए, और जो अंधभक्त हैं वो ताली बजा देते हैं, वहां बैठ के ताली बजा देते हैं। और मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, हमारे किसान लड़ रहे हैं, कुछ भाई इधर उधर चले जाते हैं, सरकार हमारी यूनियनों को तोड़ तोड़ के अपनी सरकारी यूनियन भी बना रही है, तो हमें देखना यह है कि हमारी लड़ाई लड़ कौन सकता। अगर हमारा पेड़ बड़ा होगा तो वो छाव भी उतनी ही ज्यादा देगा। तो ये जो टहनियां टूटती हैं, अब उत्तर प्रदेश में कितनी यूनियन बड़ा बड़ा के बैठ गए कि मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया और मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया। आज बोधर की भाई को कोई सा नहीं चल रहा। अगर टिकेश साहब आज ऑर्डर कर दे तो कल को एक एक तंबू गाड़ के बैठ जाएंगे भाई और लिख देंगे हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इससे क्या फायदा उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का? अगर हिम्मत है, अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हम भी बन जाते कभी के, 5,000 रुपए लगे जाकर रजिस्ट्रेशन करा लो। हमें अपना फायदा देखना है या जनता का फायदा देखना है, किसान का फायदा देखना है? तो किसान के फायदे के लिए सबको एक होना पड़ेगा। हमें किसी राजनीतिक पार्टी पे कोई भरोसा नहीं है, सब राजनीतिक पार्टियां एक जैसी होती हैं, शाम को सारे एक साथ बैठकर दारू पीते हैं, सारे मीट खाते हैं। अगर मैंने खोलना शुरू कर दिया तो एक आध ही संसद में बचेगा, एक दो ही, जितने 543 बैठे हैं, एक दो ही बचेगा जो शराब ना पीता और मीट ना खाता हो। लेकिन वो उनका शौक है, हमारे अधिकारों पे हमसे कहेंगे कि हम किसान के साथ हैं, और जब हमारी लड़ाई का टाइम आता है तो फिर वो पता नहीं कहां गुम हो जाते हैं। हम जब से आजादी हुई है तब से लड़ते आ रहे हैं, और हम कहां लड़ रहे हैं? बस हमारी MSP दे दो, हमारे अधिकार दे दो। आज मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, इस देश के अंदर 10 साल में 25 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों में माफ हो चुका है। 25 लाख करोड़ रुपए ये नरेंद्र मोदी माफ कर चुका है, लेकिन आज तक तुमने किसी को उद्योगपति को जंतर मंतर पर भी बैठे देखा क्या? प्रधानमंत्री से गुहार लगा दे हमारी कर्जा माफ कर दो। और देश का किसान हो या मजदूर हो, हर आदमी गुहार लगाता है जा जा करके, पंचायतें करता है, आंदोलन करता है और अपनी शहीदी देता है, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। क्यों? कि हम लोगों में एकता नहीं है, हम लोगों में एकता नहीं है। और जिस दिन हम लोगों में एकता हो गई उस दिन हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सरकारें तुम्हारे पास आएंगी। और जिस तरह उद्योगपतियों का कर्जा माफ करती है, जिस तरह उद्योगपतियों को सुविधाएं देती है, वो आपको देंगी। जो उद्योगपति हैं पूरे देश में केवल 3% टैक्स देते हैं, केवल 3% भारत का जो टैक्स आता है उसमें केवल 3% टैक्स देते हैं। और जिस बिरादरी से आप आते हो, किसान बिरादरी से, ये देश के अंदर 47% GDP देती है और 60% रोजगार देती है आपके बच्चों को, और फिर भी आप दुखी? तो क्यों दुखी हो इस पे विचार कर लेना आज शाम को बैठ के। और अभी बता देता हूं कि दुखी इसलिए हो कि तुम जाति और धर्म में बटे पड़े हो। जब तुम्हारा लड़ाई का समय आता है, 5 साल में एक बार आता है, तुम किसी सांसद से ये नहीं पूछते कि 5 साल तू हमारा नुमाइंदा रहा है संसद के अंदर, तूने हमारे जिले के बारे में क्या बात करी है? अगर तुम्हारा सांसद तुम्हारे गेट पे आए तो जब तुम उससे पूछोगे तो वो कहेगा कि राजस्थान में हमने ये कर दिया, मध्य प्रदेश में हमने ये कर दिया, बंगाल में ये कर दिया, बिहार में ये कर दिया, पर तुम्हें ये नहीं बताएगा कि तुम्हारे गाजियाबाद में क्या कर दिया, ये नहीं बताएगा। अब बिहार वाले से जाकर पूछ लो, वो कहेगा उत्तर प्रदेश में ये कर दिया, राजस्थान में ये कर दिया, मध्य प्रदेश में ये कर दिया, पर बिहार में नहीं बतावा क्या करा, क्योंकि ना तुम वहां जाओगे
ना तुमने देखा है और तुम्हें बेवकूफ बना करके और बस तुम्हारी वोट लेगा, और जिस दिन वोट दे दोगे उसके बाद वो तुम्हारे मोहल्ले पे दिखाई नहीं देगा। फिर पांच साल फिर तुम हाथ जोड़ोगे ऐसे चुनिंदा लोगों के सामने। तो इसलिए, और क्यों? क्योंकि हम बटे हुए हैं, इसलिए वो हमारी छाती पे चढ़े हुए हैं। और हम कहते हैं तुम एक साथ आ जाओ, उनकी छाती पर ट्रैक्टर हम चढ़ा देंगे, सब एक साथ आ जाओ, उनकी छाती पर अगर ट्रैक्टर में चढ़ा दे, उनकी औखाते हमारा रास्ता रोक दे। मैं वही बात कहना चाहता हूं कि हमारा उगाया अनाज दिल्ली जा सकता है, हमारा उगाया हुआ सब्जी दिल्ली जा सकती है, हमारे उगाए हुए फल दिल्ली जा सकते हैं, हमारा पैदा किया हुआ दूध दिल्ली जा सकता है, लेकिन ये देश का किसान दिल्ली नहीं जा सकता। ऐसा हो सकता है? तो क्यों नहीं जा सकता दिल्ली? और देश का प्रधानमंत्री हमारे रास्ते में इतने लोग खड़े कर रहा है, अगर उसके ये लगता है कि हम दिल्ली नहीं जा सकते तो उसको हैदराबाद भेज दो, हम हैदराबाद चले जाएंगे, उसको पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठा दो, हम वहां चले जाएंगे। अरे जब देश का प्रधानमंत्री दिल्ली में है तो हम कहां जाएंगे? हम दिल्ली जाएंगे जिस दिन आदेश हो जाएगा हमारे सेनापति का, और ट्रैक्टर तैयार रख लो, और अब के जब भी लड़ाई होगी आर पार की होगी, या तो दिल्ली हम जाएंगे या दिल्ली हमारे द्वारे आ जाएगी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।